लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिव्य कला मेला का भव्य शुभारंभ किया, जिसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी शिरकत की। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष घोषणा भी की गई। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया गया। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों को सम्मान देते हुए विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का उपयोग किया, जिससे समाज में उनकी गरिमा बढ़ी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मेले में लगे स्टालों का दौरा किया और दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना की। उन्होंने जनता से अपील की कि वे मेला आएं और दिव्यांगजनों का उत्साह बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला समाज कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम है और सरकार दिव्यांगजनों के लिए लोन की सुविधा भी प्रदान कर रही है, ताकि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिव्यांगजनों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि देशभर में 16 स्थानों पर दिव्य कला मेला का आयोजन हो चुका है और अब छत्तीसगढ़ में 5 एकड़ जमीन पर दिव्यांग पार्क बनाने की योजना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया, जिसमें दिव्यांगता की श्रेणी को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। हमने दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी और शासकीय स्कूलों में आरक्षण भी बढ़ाया है। दिव्य कला मेला के माध्यम से दिव्यांगजन अपने बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अब दिव्यांगजनों को ई कॉमर्स के माध्यम से भी अपने उत्पादों की बिक्री करने का मौका दिया जाएगा, जिससे उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बन सके। आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री का प्रेरणादायक उद्बोधन तो मिला ही, साथ ही उन्होंने यहाँ रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग पार्क बनाने की घोषणा की है। उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, ताली बजाई उनके लिए। और मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि दिव्यांग पार्क के लिए 5 एकड़ जमीन उनको और उपलब्ध कराएंगे विभाग को, और यहाँ हमारे दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षा के लिए डिप्लोमा कोर्स की भी यहाँ पर व्यवस्था करेंगे। भवन बनने के बाद उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मेला में हमारे दिव्यांग बच्चों द्वारा बड़ा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की गई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रोत्साहन स्वरूप उनको मैं 51,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। आज भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर दीप कला मेला का आयोजन किया गया है, जो कि 1 सप्ताह तक चलेगा और इसमें विभाग के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी स्वयं इस मेला का उद्घाटन किए हैं। और आज के इस अवसर में जो भी भारत सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों के लिए प्रयास हो रहा है, उसको अपने श्रीमुख से बताए भी हैं। जब से इस देश में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पहले इनको विकलांग कहा जाता था, लेकिन उन्होंने उनको सम्मान दिया, दिव्यांगजन कहा और अनेकों रिफॉर्म उसमें लाए हैं। और आज माननीय मंत्री जी ने यहाँ दिव्यांगों के लिए एक दिव्यांग पार्क की घोषणा की है, 5 एकड़ जमीन उसके लिए प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का और विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हमारे दिव्यांगजन के लिए शिक्षा उच्च स्तरीय व्यवस्था भी होगी, उसकी भी उन्होंने घोषणा की है, उसके लिए भी हम बधाई देते हैं। और बहुत सारे हमारे दिव्यांगजनों को यहाँ पर लोन, मशीन से चलने वाला ट्राईसाइकिल वगैरह सब दिए हैं, कृषि संयंत्र के लिए लोन दिए हैं और भी कई बिजनेस के लिए लोन दिए हैं। ये सब काम यहाँ पर हुआ है और ये मेला दिव्यांगजनों के लिए विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.